ये कौन सा जानवर है जिसके दांत इतने ज्यादा लंबे हो गए जिसकी वजह से इसकी खुद की मौत हो गई? और इस लेडी की गर्दन इतनी ज्यादा लंबी कैसे हो गई? और इसने अपने गले में ये रिंग क्यों डाल रखे हैं? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के अंत तक बने रहे। फैक्ट नंबर 12। आपने ये सुना होगा कि किसी का पर्स चोरी हो गया है, किसी की बाइक चोरी हो गई है, किसी किसी की कार भी चोरी हो जाती है, पर मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी बातें उसके आगे छोटी लगेंगी। 2003 में दो लोगों ने मिलकर एक एरोप्लेन को चोरी कर लिया और कोई भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि एरोप्लेन कहाँ गया है। फैक्ट नंबर 11। आप सभी लोग ये जानते होंगे जो ऊन होता है वूल, ये भेड़ों से निकाला जाता है और इस वूल को भेड़ों से निकालने के लिए भेड़ों के बाल को ट्रिम कर दिया जाता है। पर एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अपनी भेड़ों पर से ऊन निकाल रहा था, उस आदमी को भेड़ों के ऊपर से ऊन निकालते देख एक भेड़ डर गई और डर के जंगलों की गुफाओं में भाग गई। और जब 6 महीने बाद इस भेड़ को ढूंढा गया तो ये भेड़ कुछ इस तरीके की दिखने लग गई थी। फैक्ट नंबर 10। हम जो छींकते हैं, क्या आप जानते हैं इस छींकने की स्पीड कितनी होती है? हम जो छींकते हैं इसकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 9। ये फोटोज को देखिए, ये फोटो है अलास्का की। अलास्का में सब्जियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इन मॉन्स्टर साइज की सब्जियों को उगाने के लिए कोई भी स्पेशल टाइप के बीज या दवाइयों का यूज नहीं हुआ है, ये नॉर्मल बीज से उगाई गई सब्जियां हैं। वहाँ पर मॉन्स्टर साइज की सब्जियां इसलिए उगती हैं क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे में से 20 घंटे सिर्फ धूप रहती है और ज्यादा धूप पड़ने की वजह से इन सब्जियों का साइज मॉन्स्टर साइज हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। जब बात वेजिटेबल की कर रहे हैं तो बात पनीर की भी कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पनीर या पनीर से काफी सारी बनी डिशेस तो खाई होंगी। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कितने रुपए किलो है और इसे किस चीज से बनाया जाता है? बैलकन। ये खास तरीके की डोंकी की ब्रीड है और इस डोंकी में से जो मिल्क निकलता है उसका पनीर बनाया जाता है और इस खास तरीके की पनीर की कीमत मार्केट में 3400 रुपए किलो से भी ज्यादा है। मतलब एक किलो पनीर 3400 रुपए किलो से भी ज्यादा का बिकता है। फैक्ट नंबर 7। आपने नॉर्मली टीवी, जू या कहीं पे भी सुअरों को तो देखा होगा, पर सुअर की एक स्पेशल टाइप की ब्रीड होती है जिसे बाबिरुसा बोला जाता है। इस सुअर की स्पेशल बात यह होती है कि इनके दांत बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और फीमेल के कंपैरिजन मेल के दांत तो और ज्यादा बड़े होते हैं और इनके दांत लाइफ टाइम बढ़ते ही रहते हैं जैसे हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं। पर कई बार क्या होता है कि इन सुअरों के दांत इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इनके खुद के दांत इनकी खोपड़ी में घुस जाते हैं और इनके ज्यादा बड़े दांतों की वजह से इनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट और क्लब्स में जो आइस क्यूब होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर आप जब घर में आइस क्यूब जमाते हो तो हल्के वाइटिशी से और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब होते हैं वो बॉइल्ड वाटर से बनाए जाते हैं और घर में जो हम आइस क्यूब जमाते हैं वो ऐसे रेगुलर वाटर में ही बना देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब बनाना चाहते हो तो एक बार वाटर को बॉइल कर लेना। फैक्ट नंबर 5। आज तो हम फोन, पीसी या बोर्ड पर चेस खेल लेते हैं, पर 1924 से पहले ऐसा नहीं होता था। पर 1924 से पहले रियल लाइफ चेस हुआ करता था जिसे बड़े राजा और ज्यादा पैसे वाले लोग खेला करते थे। आप जो चेस में हाथी, घोड़े और प्यादे देखते हैं 1924 से पहले ये रियल में हाथी, घोड़े और प्यादे सच में रखे जाते थे। फैक्ट नंबर 4। कोका कोला कंपनी और उसके एम्प्लॉय अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल है। अगर कोका कोला एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी पेप्सी पीता पकड़ा गया तो उसे काम पर से निकाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में आयरन होता है और ये सच में रियल का आयरन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितना आयरन होता है? हमारी बॉडी में इतना आयरन होता है कि अगर किसी नॉर्मल आदमी की बॉडी से सारा आयरन निकाल लिया जाए और उस आयरन को इकट्ठा करा जाए तो उससे 7.5 सेंटीमीटर की एक कील बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है, पर क्या हो अगर किसी के हाथों पांडा की डेथ हो जाए? अगर ऐसा है तो मतलब अगर किसी के हाथों पांडा की डेथ हो जाती है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। फैक्ट नंबर 1। जरा इस फोटो को देखिए, आपके दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि ये गले में इस लेडीज ने क्या पहना हुआ है और इसकी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? ये सुनने से पहले आप ये सुन लो कि ये लोग है कौन। ये म्यांमार में रहने वाले खास आदिवासी की नस्ल है जिसे कायन बोला जाता है। इन्होंने ये रिंग अपने गले में इसलिए डाला हुआ है कि इनके यहाँ माना जाता है कि जिस लेडीज की गर्दन लंबी और कंधे नीचे होते हैं वो लेडीज उतनी ही ज्यादा सुंदर मानी जाती है। और इनके गले में ये रिंग 5 से 6 साल की उम्र में डालना शुरू कर दिया जाता है और एज के साथ साथ इस रिंग का वेट भी बढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे इनके रिंग का वेट 20 किलो तक पहुंच जाता है। और 20 किलो का रिंग गले में डालकर ये खेतों पर भी काम करती है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और एज के साथ साथ जैसे ही इनका रिंग बढ़ा दिया जाता है
इनकी गर्दन भी और ज्यादा लंबी होने लग जाती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।